कह रही है कि आप असत्य बोलते हैं। वर्तमान की सारी राजकीय सामाजिक परिस्थितियों को दिग्दर्शित करने वाला नाटक है। लिखने की शैली जो है वो इतने बेहतर है कि सारे वर्तमान के परिस्थिति को एक दो घंटे डेढ़ घंटे के इस मंचन पर प्रस्तुत करना बड़ी बात है। हम और आप जब इस नाटक को देखते हैं तो हम जीते हैं इस नाटक को। बड़े ही सटीक ढंग से एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होना चाहिए, विवेक का उपयोग करना चाहिए और सत्य को जानने का प्रयास कर उसके लिए लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रश्न करो, परीक्षण करो, प्रमाण मांगो, निरीक्षण करो। जो विषम परिस्थिति है उस परिस्थिति में आम जनता ने अपने कर्तव्य के प्रति कैसे जागरूक रहना चाहिए, इसका सुंदर विश्लेषण इस मसीहा में किया गया है। बैठ के बात लोग भाई हमारे लिए लड़ा, वही हमारा हित चाहता और तुम दोनों ने उसे ही मार दिया। राजा का आदेश था, मुझे उसका पालन करना पड़ा। क्या था राजा का आदेश? आजच्या परिस्थितीवर सटीक भाष्य करणारं मसीहा हे नाटक होतं आणि या नाटकामध्ये नवीन काही आयाम पुढे आणलेले आहेत, नवीन प्रश्न पुढे आणलेले आहेत आणि या सध्या वर्तमान काळामध्ये जी आव्हान आहे, जी परिस्थिती आहे त्यावर अचूक भाष्य करणारं हे नाटक आहे। जो कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता, महापुरुषों के पुतले और स्मारक बनाता है और खुद को बड़ा बनाने की कोशिश करता है। साधारण मनुष्य में असाधारण गुणों को खोजना या उसे मसीहा समझ लेना बहुत बड़ी मूर्खता है। आई एम वेरी स्पीचलेस अबाउट इट कि एक पॉइंट पे इतना अच्छा था उन लोगों का कि लाइक वी वर सो मीन्स इनसाइड इट कि लाइक लग ही नहीं रहा था दे वर इन परफॉर्मिंग लाइक वी वर विटनेसिंग अ लाइफ ड्रामा। फिलहाल इस नाटक की जरूरत है, इसके और भी प्रयोग होना चाहिए। ये कार्य हमें राज्य के हित में करना है, जो नहीं करेगा वो राज्य का दुश्मन समझा जाएगा।